हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लीग पर। फ्रेंड्स, कल हम आप लोग को आरएफपीडी का रूल बताए थे, कैसे कैसे आरएफपीडी अप्लाई करते हैं। तो कल जो हम लोग पढ़े थे वो अल्केन ग्रुप का पढ़े थे, अल्केन ग्रुप पे कैसे आरएफपीडी अप्लाई करेंगे। आज हम लोग को जानना है अल्काइल ग्रुप। क्या जानना है? अल्काइल ग्रुप होता क्या है? तो देखिए, अल्केन में से जब वन हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? वो अल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्केन माइनस वन अल्काइल ग्रुप। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? सी एन एच टू एन प्लस टू। तो अल्काइल ग्रुप का क्या हो जाएगा? सी एन एच टू एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ये मेरा एग्जांपल है एक अल्काइल ग्रुप का। क्या है? सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। अब देखिए, एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। जैसे कोई एक मेरा चैन दे दिया, अल्केन का ही चैन मिलेगा इसमें, और उससे बोला जाए कितना अल्काइल ग्रुप का चैन बन सकता है, एक अल्केन ग्रुप के से कितने अल्काइल ग्रुप का चैन बन सकता है। जैसे ये एक मेरा एग्जांपल है, इससे कितने अल्काइल ग्रुप का चैन बन सकता है, तो डिपेंड किस पे करेगा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे। जितने टाइप का हाइड्रोजन होगा उतने टाइप का चैन बनेगा। ठीक है, क्या होगा? जितने टाइप का हाइड्रोजन होगा इसमें उतने टाइप का इसमें चैन बनेगा। जैसे देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, सी एस थ्री है, ये सी एस टू है। अब देखिए, ये जो सी एस थ्री है किससे अटैच है? सी एस टू से। और यहाँ भी सी एस थ्री है, किससे अटैच है? तो ये भी सी एस टू से ही अटैच है। तो दो टाइप का यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें चैन कितने टाइप का बनेगा? दो ही टाइप का चैन भी बनेगा। कौन कौन सा होगा? तो देखिए, ये जो मेरा है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, तो इसे कितने टाइप का बन सकता है? इसमें से कहीं एक जगह से हाइड्रोजन मिस होगा। तो पहला हम लिखे सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, मीन्स फर्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक मिसिंग है। दूसरे वाले में क्या किए? सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, तो इसमें क्या किए? फिर यहां से हाइड्रोजन मिसिंग है। तो दो टाइप का बोले, दो टाइप का हो गया। तो ये तीसरा क्यों लिखे? ये तीसरा में देखिए, या तो फर्स्ट वाले जगह से कार्बन मिस हो सकता है या लास्ट वाले जगह से कार्बन मिस हो सकता है, दोनों में से कहीं एक जगह से मिस होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? लास्ट वाले जगह से कार्बन मिस हो रहा है। अब इसका नेमिंग जानना है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानने वाले क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे होता है? पहले देखिए, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या? सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री। इसमें पता कैसे चलेगा अल्काइल ग्रुप है? तो देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन मिस है, क्या है? यहाँ से हाइड्रोजन मिसिंग है। अब इसका हमें नोमेनक्लेचर लिखना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे पहले, कि एक स्ट्रेट चैन चूज करते हैं। इसमें भी स्ट्रेट चैन चूज करेंगे, लेकिन कहाँ से? जहां से हाइड्रोजन मिसिंग होगा वहीं से। ओके, जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है वहां से एक स्ट्रेट चैन चूज कर लिए, और हम लोग उसमें क्या करते थे? दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। इसमें दोनों साइड से नहीं करेंगे, यहां से हाइड्रोजन मिसिंग है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। अब इसका नाम लिखना तो आसान है, इसे क्या बोलेंगे? इथाइल, और यह मिथाइल। एक और चीज, जो मेरा पैरेंट चैन होगा वही इसमें भी बेस नेम देगा। तो पैरेंट चैन क्या है? वन टू थ्री फोर, फोर को ब्यूटेन बोलेंगे। तो ये अल्काइल ग्रुप का है तो क्या होगा? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। अब देखिए क्या होगा, वन इथाइल, टू मिथाइल और ब्यूटाइल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और देखते हैं,
एक ये मेरा एग्जांपल है, इसका भी नाम लिख के देखते हैं। तो मेरा क्या है रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन को चूज करना है, और इसमें कहां से करना है, यहां से हाइड्रोजन मिसिंग हो, तो मेरा एक लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन बन गया जिसमें यहां से हाइड्रोजन मिसिंग है। फिर नंबरिंग स्टार्ट करना है कहां से, यहां हाइड्रोजन मिसिंग हो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले मिथाइल लिखेंगे या पहले इथाइल लिखेंगे, इसमें जैसे और डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे, 1 methyl 2 ethyl 1 2 3 4 butyl। इतना सिंपल था मेरा नोमेनक्लेचर इसका अल्काइल ग्रुप का। एक बार बता दे सर, जो जो बताया हम सबको रिकॉल कर देते हैं, अल्काइल ग्रुप होता क्या है, हाइड्रोजन अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा। अब जैसे एक अल्केन ग्रुप का चैन दे दे, उससे पूछे कि कितना नंबर ऑफ चैन बनेगा अल्काइल ग्रुप का, तो क्या होगा, जितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ही टाइप का अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा। उसके अलावा हम लोग पढ़े नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पे क्या करते हैं, सबसे पहले मिसिंग हाइड्रोजन एटम को चूज करेंगे कि कहां से हाइड्रोजन एक मिस हुआ है, वहां से एक पैरेंट चैन लेंगे जो कि बेस नेम देगा। जैसे पैरेंट चैन लिए तो ये बेस नेम दे दिया हमें, फिर जहां से मिसिंग हुआ है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वहां से क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और जो रूल था हम लोग आरएफपीडी में पढ़े थे, सेम रूल इसमें भी फॉलो करना है। अगर सब कुछ मिल जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे, नहीं मिलता है तो एक तरफ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे इसमें देखिए 1 methyl 2 ethyl butyl हो गया, इसमें था 1 ethyl 2 methyl butyl हो गया। तो और सब रूल सेम है, बस यही इसमें 2-3 नया रूल है कि सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन मिसिंग है उसको चूज करना है, फिर उसके बाद में उसका पेरेंट चैन बनाना है और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें इतना ही अलग है, अदर रूल्स आर सेम। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आओ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।